नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हरिद्वार से हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका मासिक राशिफल, वो भी फरवरी माह का। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में, आप लोगों के लिए इस महीने क्या कुछ है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने कैसी रहने वाली है, तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात लक यानी कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, क्योंकि देखिए हर महीने गृह स्थितियाँ बदलती है और इसी के आधार पर हम आपको आपका मासिक राशिफल बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, मयंक शर्मा जी से जानते हैं कि इस महीने आपके ग्रह दशाएं क्या कुछ बता रही हैं। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी कुंडली में एक तो शनि की 7.5 चल रही है, शनि आपकी राशि में विराजमान है, फरवरी मास में भी आपकी राशि में रहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपकी राशि को छोड़ देंगे यानी कि 29 अप्रैल को। हालांकि लंबे समय है, लेकिन शनि की अब जाती हुई स्थिति है यानी कि स्थितियाँ जो है बेहतर होती हुई नजर आएंगी धीरे धीरे। और इस समय अगर आपके राशि में देखें तो देखिए कितने ग्रहों का संचार यहाँ फरवरी मास की शुरुआत में रहेगा। आपकी राशि में बुध भी रहेगा, सूर्य भी रहेगा, शनि भी रहेगा और चंद्रमा भी यहाँ विराजमान रहेंगे 1 फरवरी को। दूसरे भाव में गुरु है, तीसरा चौथा भाव खाली है, पांचवें भाव में राहु है, छठा सातवां आठवां नौवां दसवां भाव खाली है, ग्यारहवें भाव में आपके केतु है और बारहवें भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति रहेगी। तो ये कुछ ग्रह स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और दर्शकों को बता दें, मकर राशि वालों, जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, ना तो नाम राशि के हिसाब से ना ही आपके सूर्य राशि यानी कि सन साइन के हिसाब से। तो जन्म कुंडली वाली जो राशि होती है चंद्र राशि, उसके हिसाब से आप ये अपनी मकर राशि देखिए, अगर आपकी बनती है तो फिर उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है इस महीने में और क्या नहीं करना है। बिल्कुल, तो ये हमने मयंक जी से जान लिया आपके ग्रह दशाएं इस महीने की क्या कुछ कहती हैं। अब इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। देखिए, आपका स्वास्थ्य जो है इस महीने थोड़ा मिला जुला रहेगा, आपको रक्त विकार हो सकते हैं, नेत्र विकार, सिर दर्द, हेडेक, इस चीजों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल 12वें घर में है, लगन में सूर्य रहेगा शनि के साथ, तो तनाव से आपको बचना चाहिए। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, वाहन भी संभल के चलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने सेहत को लेकर थोड़ा ज्यादा ही जागरूक रहना पड़ेगा मकर राशि वालों को, अन्यथा सेहत संबंधी परेशानी इनको तकरीबन बात करें तो परेशान करती ही रहेंगी। खासकर अगर हम 15 फरवरी तक बात करें, यहाँ तक आपको थोड़ा ज़्यादा संभल के चलना होगा। जी, चलिए बात की आपकी हेल्थ को लेकर और अब जानते हैं हम स्टूडेंट्स के बारे में, आखिरकार उनके लिए भी देखिए फरवरी का ये महीना इम्पॉर्टेंट है और क्यों होगा खास, उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनके स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये माह जो है, अगर हम देखें पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो शिक्षा परीक्षा में सफलता तो मिलेगी लेकिन अवरोध भी काफ़ी रह सकते हैं जी। और इस अवरोध का कारण हो सकता है कि आपका एकाग्रता का पूरी तरीके से ध्यान ना लगा पाना, क्योंकि लगन में सूर्य शनि की युति के कारण आपका कहीं ना कहीं मन पढ़ाई से दूर भटकेगा, राहु भी इस ओर दूर ले जाने की कोशिश करेगा, या आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, मन आपका नहीं लेगा शिक्षा में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है छात्रों, क्योंकि ये परीक्षा का समय होगा, आने वाले समय में परीक्षा शुरू होने वाली होंगी या कुछ स्टूडेंट्स की इस महीने के अंत आते आते परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा संभल कर चलें। शिक्षा से ध्यान आपका ना हटना चाहिए, इसी का पूरा प्रयास करें, एकाग्रता बनाने का प्रयास करें, मन लगाकर पढ़ाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना और अब बारी आती है पर्सनल लाइफ यानी कि रिश्ते, और मुझे लगता है रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें बहुत ही संभाल कर चलना चाहिए। तो प्रेम, आपका प्रेम प्रसंग, आपका वैवाहिक जीवन क्या कुछ कहता है, रिश्तों में कितनी नज़दीकियाँ, प्रेम या फिर यूँ कहें कि मिठास रहेगी या फिर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जानते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रेम संबंधों की तो ये महीना आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहने वाला, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी इस महीने खटास रहती हुई नजर आएगी या कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराजगी का दौर चलता रहेगा, आपसी विचारधारा नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, कुछ परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आप अपने इस समय
लाइफ पार्टनर को या आपके प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समय नहीं दे पाए, तो कुछ ना कुछ गलतफहमी पैदा होने के हालात ग्रह नक्षत्र बना रहे हैं। तो आपको उस चीज से संभल के चलना है, कोशिश करनी है कि कोई भी गलतफहमी ना आए और एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। क्रोध की अधिकता से मकर राशि वाले बचें, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठ गया है शनि के साथ, तो क्रोध थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस चीज को लेकर आपको संभल कर चलने की जरूरत है। रिश्तों में थोड़ा आगे बढ़ते समय सावधानी पूर्वक चलें तो आपके लिए बेहतर रहने से रिश्ते खटास पैदा हो सकती है इनमें। चलिए, ये तो हमने बात की आपके निजी जीवन को लेकर, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपका कार्य क्षेत्र, कितना काम कितना अच्छे लगन से आप लोग कर पाएंगे, जॉब में है बिजनेस में है, स्विच करने की सोच रहे हैं या फिर प्रमोशन के चांसेस है या नहीं है, क्या इस समय आपको किसी बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, क्या ये आपके लिए उचित समय है या नहीं, जानते हैं। देखिए, काम कारोबार के लिए सामान्य अगर देखा जाए तो महीना ठीक है, मतलब आप इस महीने कोई बड़ी उम्मीद ना करें कि कोई बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा चेंज करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप जॉब में अच्छा कर रहे हैं तो करते चले जाइए, व्यवसाय भी ठीक ठाक चल रहा है तो करते चले जाइए, अगर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस महीने सामान्य रहेगा, कम नहीं होगा या बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, तो एवरेज आपके लिए चलता चला जाएगा। नौकरी हो या व्यवसाय है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सेकेंड हाफ जो मंथ का आएगा यानी कि 15 तारीख से, वो धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तो इनको मकर राशि वालों को सलाह दूंगा, इस महीने कोई चेंज ना करें, ना नौकरी बदलें, ना व्यवसाय को एक्सपेंड करने का प्लान करें और ना ही अभी नए काम की आप शुरुआत करें, तो ये आपके लिए फिलहाल बेहतर है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाए रखेंगे तो आपके लिए ये सबसे बेहतर रहेगा इस समय। चलिए, अब तक तो हमने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जान लिया, अब बारी आती है आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में जानने की। जी हाँ, आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है, कितना कमाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे, कितनी बचत कर पाएंगे, जानते हैं। देखिए, आर्थिक पक्ष आपका इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा और हालांकि खर्च भी आपको ज़्यादा इस महीने देखने को मिलेगा, खर्च भी रहेगा लेकिन पैसा आएगा भी जी। तो इसलिए मैंने बोला है कि लाभ भी होगा और खर्च भी होगा, तो बैलेंस बना रहेगा, यानी कि जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना कहीं ना कहीं खर्च भी किसी न किसी तरीके से होता रहेगा, सुख साधनों पर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, इस समय ये स्थिति भी नज़र आ रही है, तो इसलिए लाभ सामान्य ही रहेगा, बचत बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते इस महीने, गृह स्थिति बता रही है, लेकिन फिर भी सामान्य लाभ होता ही चला जाएगा। चलिए मयंक जी, मैं इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, भाग्य इन लोगों का कितना साथ देने वाला है। देखिए, भाग्य इनका इस महीने 80% के साथ है, यानी कि भाग्य के बल पे 80% आपको सफलता अर्जित कर पाएंगे और कुल मिलाकर जो काम आप कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अभी नए तो शुरुआत नहीं करनी है, तो इसलिए जो जो जैसा कर रहे हैं उसमें उसी तरीके से करता चला जाइए, तो भाग्य वहाँ आपका फिर भी साथ देगा इस महीने। चलिए, तो ये अब तक हमने सब कुछ जाना और अब बारी आती है इस महीने क्या कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सलाह के तौर पर मयंक जी आपको क्या बताएंगे, जान लेते हैं। देखिए, दो चीज का ध्यान रखिए, विवादों से दूर रहें, क्रोध की अधिकता से बचें जी, और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संतुलन बना के चलें, प्रेम संबंधों में भी संतुलन बना के चलें तो अच्छा रहेगा, अपनी तरफ से कोई कहना चाहिए रिश्तों को खराब करने का प्रयास ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और एक बात और है कि कार्य व्यवसाय में कोई चेंज ना करें इस महीने, ये भी आपके लिए अच्छा है, और परिवर्तन से बचना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा सावधानी से चलने वाला आपके लिए महीना है, आप किस तरह से इस महीने का लाभ उठा सकते हैं सावधानी से चल के, अब आपके हाथ में, हमने आपको सब चीजें बताई हैं, अगर हमारी बात को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानियां भी कम होंगी और लाभ भी होगा और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, तो चलिए जाते जाते क्या कुछ उपाय आप लोगों को इस महीने करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इस महीने क्या करें कि सूर्य देव की आराधना करें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें, सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर शनि से संबंधित कोई कष्ट 7:30 से आ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और काले तिल काले उड़द का दान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि किस प्रकार से फरवरी का ये महीना आप लोगों के लिए खास रहने वाला है, मकर राशि वाले जातकों को बताया कि इस महीने ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति आपकी सेहत, आपके कामकाज, आपके आर्थिक पक्ष और आपके भाग्य को किस तरह से प्रभावित करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।